हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और हर एक चीज को जानेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत धैर्य संयम और विवेक के साथ सीखेंगे। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने आपको जो थ्योरी के वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में दिए हैं तो हमने आपको बताया है क्या कि जब भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz है तो जो इसकी वैल्यू होती है बच्चा वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड साथ ही साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3xyyz और जेड एक्स के बराबर होती है। जेड एक्स के बराबर होती है, यह आपको बताया गया है। अब इस फॉर्मूले को अगर आपने याद किया है तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सर कैसे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 19 दी गई है तो ये 19 ऐसे रख दो, यहां 19 का स्क्वायर 361 एज इट इज रख दिया, माइनस का 3 ऐसे लिखा और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जिसकी वैल्यू 114 है। क्या है? 114। 19 ऐसे लिखिए, 361 और ये हो जाएगा 342। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो 19 ही आएगा। क्या आएगा? 19 ही आएगा, यानी 19 का स्क्वायर ये वैल्यू हो गई। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पे नजर डाली, तो हमें ये वैल्यू क्या चाहिए थी? क्यू स्क्वायर रूट में चाहिए थी। जब ये स्क्वायर रूट में होगा तो ये भी स्क्वायर रूट में होगा, ये भी स्क्वायर रूट में होगा, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, यानी आंसर इसका 19 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 19 हो जाएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, अभी सभी लोग सेशन पे फोकस करेंगे, अंत में सारी चीज पे चर्चा होगी पर अभी सारा फोकस पढ़ाई पर होगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, जनरली लोग सॉल्व करते हैं उससे ये क्वेश्चन लंबे समय में होता है, तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करो और इसकी ट्रिक को भी जानो। 3-स्टार क्वेश्चन है, कम समय में कैसे किया जाए। इसमें एक कंडीशन देख रहे होगे कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं इसका बिल्कुल याद कर लेना, तभी आप दूसरों से अलग होंगे, अन्यथा परेशान हो जाओ। इसमें वैल्यू हमें याद करने से जल्दी आ जाएगी। देखो, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, इसका अर्थ यह समझ में आता है कि एक्स वाई और जेड आर इन किसमें होंगे? जीपी में होंगे। किसमें होंगे? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। तो इसमें जो वैल्यू हम लोग लेते हैं बच्चा वो 4, 6, 9 लेते हैं। इसको याद कर लेना, मैंने बताया आता सबको है ये क्वेश्चन, जनरली सॉल्व करोगे काफी समय बर्बाद होगा। जब ये जीपी में है तो 4, 6, 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 को 36 होता है, इसलिए हम इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब पहले देख लो 4, 6, 9, क्या 19 आ रहा है? बिल्कुल 19 आ रहा है। 4 का स्क्वायर होता है बच्चा 16, 6 का 36 और 9 का 81, क्या 133 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हमसे कह रहा है जेड और एक्स के बीच का अंतर बताइए, बाकी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ये बात आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से। अब जब हम बात करते हैं जेड और एक्स के बीच के अंतर का, तो देखा जाए जेड की वैल्यू हो गया 9 और एक्स की वैल्यू आपके सामने दिया गया है 4, तो अगर हम दोनों का अंतर देखेंगे तो 5 आएगा।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 आएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर 5 आएगा, यह बात याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। तो xz बराबर y स्क्वायर एक्स वाई जेड हमारा जीपी में होगा और 469 ये हमारा जीपी के वैल्यू हो गए। तो इसको याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत धैर्य पूर्वक हर एक चीज को सीखिए और हर एक चीज पे चर्चा क्लास के अंत पे हो जाएगी। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। कहता है इफ दिस बराबर दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब से आपका टीसीएस कंपनी आया है तब से इस पैटर्न के क्वेश्चन को 100% आपके एग्जाम में पूछता है, एसएससी के। बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, होता बहुत आसान है। एक बात को समझो, यहां रूट 3x लिखा है, यहां रूट 2y लिखा है। देखा जाए इसी का ये क्यूब लिखा होता है हमेशा और इसी का ये क्यूब लिखा होता है। बचपन से हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसकी वैल्यू a माइनस बी, साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। प्यारे दोस्तों तो देखा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे, नीचे a माइनस बी ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। अब आपकी निगाहें बिल्कुल क्वेश्चंस में होनी चाहिए। अब आपको यह समझ में आ गया कि यह क्यूबिक है तो हमें चीजों को समझना है। रूट थ्री एक्स का स्क्वायर करोगे बच्चा तो ये 3x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2y स्क्वायर होगा और दोनों का जब इंटू करोगे तो रूट 6xy हो जाएगा, रूट 6xy हो जाएगा। चीजों को समझो और अब इसका कंपैरिजन कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। दोस्तों पेशेंस से सीखिएगा तो आपको खुशी मिलेगी हर एक चीज की। ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी और सी की वैल्यू रूट 6 आएगा। हमसे कहता है कि ए इंटू बी दैट मीन्स 3 × 2 डिवाइड बाय रूट 6, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रूट 6 आएगा। सभी लोग इसको लॉक कर दीजिए और यही इसका आंसर होगा। याद रहे, पेशेंस से सीखिए, हर चीज सीखिए और बढ़िया से जानिए। बाकी सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, उनका रिप्लाई अंत में लीजिए। जी हां, इस वीडियो के अंत में सारा फोकस अभी पढ़ाई पर ही कीजिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन सभी को आ गया है, ठीक है। बहुत से बच्चे मीटिंग कर रहे हैं, अंत में रिप्लाई लो, प्यार से अभी पढ़ लो। आई होप ये चीज समझ गए होंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना होगा। जब हमने आपको थ्योरी दी है प्रकाश उस्ती ऐप में 25 घंटे के आसपास, तो हमने इसके सारे वैरायटी वेरिएंट बताए हुए। यहां पर जब देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, यहां वाले वेरिएंट में हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा उसको समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी और देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सेम पैटर्न पे 3 से 4 फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। हर बार जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी जब देखोगे तो 3 घंटे हमने इसी पर ही आपको रिसर्च कराया, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़िए तभी खुशी मिलेगी। अब हमसे कहता है कि सर क्या किया जाए। दोस्तों एक बात को समझो, हमें यहां पर इस वैल्यू को लाना पड़ेगा। यह वैल्यू हम कहां से प्राप्त करेंगे, इन दोनों से हम ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। सर कैसे, सभी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 times ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। यस या नो। पहले दोस्तों इसका 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, साथ ही साथ सब जानते हैं क्या,
इसका मान दिया गया है 26 माइनस का हो जाएगा डिवाइड बाय ये वाला 2 और ये माइनस का 11 विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट वाला याद रखना है। तो ये चीज आप समझ गए, अब धैर्य पूर्वक सीखिए। हमसे इसका मान पूछा गया तो तीनों का योग हमें 2 दिया गया, बोलो हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 26 ये है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। देखा जाए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 प्लस 11 कितना होता है बताइए। तो आप कहोगे सर 26 और 11 37 होता है और 37 दुना 74 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 74 आएगा, बाकी आपके कमेंट बताएंगे। तो सभी का आंसर सही आता हुआ, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर अंत में लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। इन क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको हर बार हमारी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन होंगे। थ्योरी में जब हमने आपको ये पढ़ाया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, तो हमने 7 घंटे की थ्योरी दी है। कितने आवर्स की थ्योरी दी है इस पे? 7 घंटे की थ्योरी दी है। 7 आवर्स में इसे एज ए आईपीएल मैच के तरीके सिखाया है। पढ़िए, ये फर्जी क्वेश्चन लगेंगे। सर कैसे? हल्का सा समझो, हमने बताया कि जब a प्लस 1 बाई ए बराबर कैपिटल A है, अगर इसकी पावर 2 चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो जो ये वैल्यू है ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, अब इसे b मान लो। अब आपको 4 पावर चाहिए तो a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4, तो अब फिर इस b का स्क्वायर माइनस 2। अगर 8 चाहिए तो a की पावर 8 प्लस 1 बाई ए की पावर 8, अब इसे c मान लो तो c स्क्वायर माइनस 2। आई होप आपको ये बातें याद आ रही होंगी, नहीं तो आपके सामने है। अब देखा जाए 1 पावर से 4 पावर में आना है, तो पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 आया, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 आया। जितना ये सॉल्यूशन लिखा गया बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं। ये एक्सपर्ट चॉइस है बच्चा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और याद रहे एलजेब्रा भी हमें बहुत कुछ सीखना होता है। थ्योरी में 500 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, तो ऐसे नहीं कराए, मेहनत से कराए। चलिए तो अभी पढ़ते रहिए सबके क्वेश्चन का आंसर अंत में, क्योंकि हर बंदा एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर अंत में लेना। हाँ अभी तो पढ़ाई पे कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन, जी हां पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। कहता है x बराबर a प्लस 1 बाई ए, वाई बराबर ए माइनस 1 बाई ए, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों x बराबर a प्लस 1 बाई ए, वाई बराबर ए माइनस 1 बाई ए, यस यन। और हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y स्क्वायर। देखा जाए तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। पहले बोलो हां ये चीज बाहर आई, क्योंकि ये चीज बन जाएगा होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यस या नो। अब एक बात को बहुत संयम से समझना सभी लोग। संयम से क्या, आपको हमने बहुत विस्तार से एक थ्योरी बताई है। सर क्या थ्योरी बताइए, क्या थ्योरी? हमने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो 4 टाइम्स ए बी के होता है। 4 टाइम्स क्या होता है, ए बी के होता है, यस या नो। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये चीज तो ये हो गई और ये चीज तो ये हो गई। जब इनको देखोगे तो आपको यही लगेगा a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, 4 टाइम्स किसके भाई, इन्हीं के जो ये वैल्यू लिखी है a और b के, तो यानी a इंटू 1 बाई ए। इसको कैंसिल कर दो, 4 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 आएगा, 42 का आंसर 4 आएगा। बहुत अच्छे सीखिए,
चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बहुत अच्छे से। 42 के बाद 43 नंबर। चलिए इसको कीजिए सभी लोग और अच्छे से आंसर बताइए। दोस्तों डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। आप लोगों को अच्छे से मालूम है, नहीं मालूम तो चलो इस बार हम लिख देते हैं क्या। धैर्य पूर्वक चीजों को सीखना चाहिए, धैर्य पूर्वक। यहां जरूरत पड़ रही फॉर्मूले के तो इस बार हम पूरा बोर्ड भर देते हैं जिससे आपको याद आ जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc के, इसके कितने फॉर्मूले होते हैं हम लोग सिखाते हैं वो देखो। a प्लस बी प्लस सी ऐसे सिखाते हैं, साथ ही साथ बताते हैं a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। ये इसका पहला सिखाते हैं। दूसरा सिखाते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ऐसे होता है, जब इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए होता है, ये दूसरा होता है। तीसरा सिखाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे रखोगे, 1/2 ऐसे लिखोगे, साथ ही साथ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तीन हम लोग सिखाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग कंडीशन भी सिखाते हैं, हम क्या सारे टीचर इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ये सारे पैटर्न जीरो हो जाएंगे। इट मींस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के होता है, इतना आपको सिखाया जाता है। अब धैर्य पूर्वक सीखना, बहुत अच्छे से हर एक चीज को और बढ़िया से। चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए। दोस्तों जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब आपके दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि इस फॉर्मूले का जो मतलब है वो अब क्या होने वाला है। सर क्या होने वाला है, आप देखिए ये चीज लिखी गई है, ये चीज का जो अर्थ है अब इसके प्लेस में हम डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। समझदार हो, चीजों को समझोगे, ऐसा माना जाता है। दोस्तों अब आप देखो जो ये फॉर्मूला है तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी ऐसे और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमको जो दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 के, अच्छा अभी हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ये 20 आ जाएगा और 2 टाइम्स इस वैल्यू का तो ये 8 हो जाएगा, ये टोटल 36 हो गया 36। तो मालूम चला ए प्लस बी प्लस सी हमारा 6 हो जाएगा। दोस्तों उठाकर यहां रखो तो ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया माइनस 3 ऐसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपके सामने होगा क्या 8, 8 रखोगे तो ये 24 है ये 36 है तो 6 ऐसे और ये 12 बच्चन 72 यानी 72 इज द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा, बोलो हां मगर प्यार से। चलिए क्या आपको 19 ये वाला 43 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग पहले इस पे कमेंट करो और बाकी जो आप लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हो उन पे चर्चा हम बाद में कर सकते हैं।
ऐसा माना जाता है। तो आंसर 72 आएगा, ऐसा माना गया। बाकी चर्चाओं को बाद में रखेंगे तो ज्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए 43 के बाद 44 नंबर, अभी 60 तक कराएंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सब। जैसे ये क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 6x तो ऐसे लिख दिया जाता है, नीचे x को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो ये 2x प्लस 5 माइनस 2 बाई एक्स हो जाता है। ये पहला स्टेप होता है। हर चीज को समझेंगे मगर प्यार से। कहते हैं ये एक्स से ये एक्स कैंसिल और ये वैल्यू 1 के बराबर। तो 6 ऐसे रखा, ये दोनों का मिलन हो जाएगा यानी 2 ऐसे आएगा, तो ये x माइनस 1 बाई एक्स ऐसे हो जाएगा और प्लस का 5 ऐसे आया। दोस्तों 5 यहां घटेगा, आपके सामने घटेगा, ठीक है। तो ये 1, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1/2 आ गया। अब बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज के बारे में बताते हैं। हम लोग जब थ्योरी बताई आपको तो हमने बताया कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कभी a दिख जाए और आपको चाहिए कि सर क्या x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 4 होता है। ए स्क्वायर बराबर प्लस 4 होता है अंडर रूट में। तो आपको यहां से ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो 1/2 का स्क्वायर हर बच्चा जानता है, तो ये 1/4 ऐसे हो जाएगा और यहां 4 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 16, तो रूट 17/2 हो जाएगा। और सभी को मालूम है जब थ्योरी पढ़ी है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर b है और पावर 1/3 चाहिए, तो कहते हैं उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3a होता है, 3b माइनस का 3b होता है। क्यों? हमें यहां पर नेगेटिव मिला, पहले नेगेटिव से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव के बाद हम क्यूबिक में लाएंगे। अब आप b की जगह जो वैल्यू हमने निकाली है √17/2 रख दो, तो उसका क्यूब जब करोगे आप दोस्तों, जब उसका आप क्यूब करोगे इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 17 √17, और 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा, माइनस में 3 ऐसे होगा। √17/2 ऐसे रख दो और अभी सॉल्व कर लो। तो 4 × 12, तो ये 5 हो जाएगा, 5 √17/8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 √17/8। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है जो कि सिखा दिया गया। चलिए, हमेशा याद रखना, आपको इतनी थ्योरी जो वीडियो मिलते हैं उन्हें जब पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन सब चीजों को सीखते रहिए। तो अब कोई डाउट नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम 6 घंटे आपको थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे अभी की डेट में, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। बाकी थ्योरी मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उसमें टाइप वाइज होता है। कहते हैं यदि x स्क्वायर माइनस का 3x - 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों कहते हैं x स्क्वायर, जैसे ये लाइन है, इसको लिखने का तरीका x² - 1 = 3x, x से भाग दे दो तो x - 1/x = 3 हो गया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब हम आते हैं इस चीज पे, इस चीज पे आओ तो ऊपर इसे ऐसे लिखा रहे दो, नीचे वाले में ऐसे ले आओ, तो ये वैल्यू ऐसी हो गई। दोस्तों अब करना क्या है, ऊपर से x कॉमन लोगे तो ये x + 8 - 1/x हो जाएगा, नीचे से x कॉमन ले लोगे तो ये x² + 1/x² हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा जो आपको सिखाया जाता है थ्योरी में, और वैसे भी आपको बताया जाता है कि इनको याद करो। अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर कभी b दिख जाए और आपसे कह दे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ, तो कहते हैं बी स्क्वायर प्लस का टू होगा। अगर क्यूबिक पूछ दे तो क्यूबिक में यहां सिंबल माइनस में है क्योंकि माइनस वाला है ये माइनस, तो यहां माइनस है, तो उस केस में बी क्यूब प्लस का थ्री बी होता है। और यहां माइनस अगर प्लस भी ये पूछ दे तो ये सब हम लोग सिखाते हैं कि आप बढ़िया से सीखो, ये होता है ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं तभी 7 घंटे थ्योरी में बताया गया, आज सिर्फ प्रैक्टिस है, उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। प्यारे दोस्तों एक्स वन माइनस एक्स बराबर तीन है तो ये वैल्यू ऊपर तीन हो गई, 3 + 8 ये हो गया। नीचे देखा जाए भाव एक का 2 इसमें, तो 3 का स्क्वायर + 2, 9 × 2 = 11, तो नीचे हो गया 11, 11/11, इसे समाज एक के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठोको लाइक बोलो हां सभी लोग। चले तो बढ़िया क्वेश्चन है, 45 के बाद 46 नंबर। मैंने पहले बताया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भर भर के आते हैं, और याद रहे कि हम लोग बड़े शॉर्टकट पैटर्न पे इसको करते हैं। सर क्या शॉर्टकट पैटर्न है, हमेशा याद रखना, जैसे ये क्यूबिक में लिखा है, अब ये किसका क्यूब है, तो इस वैल्यू का ये क्यूब होता है, ज्यादा दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे, इस वैल्यू का ये क्यूब होता है। आपको आज भी बताया गया है, पहले भी बताया गया है, क्या कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होती है, प्लस का ए बी होती है, यस या नो। अब आप खुद देखो जो ये वैल्यू ऊपर वाली है बच्चा, जो वैल्यू ऊपर वाली है उस पर नजर डालो और नीचे ए माइनस बी पे नजर डालो, तो कहीं ना कहीं 3√, मतलब ये चीज आपको दिख रही है ये चीज, तो बस जो लाना है तो 3√5 का स्क्वायर करोगे तो 9 × 45 एक्स स्क्वायर, यही सीखना है हमको। और √2 का स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का प्लस तो 3√10 हो जाएगा एक्स वाई। अब इसका जो कंपैरिजन है वो करना होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस √10 cxy का। दोस्तों हर चीज को समझो, यहां से जब कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू 45 आई, b की वैल्यू 2 आई, और जो c की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखा जाए a प्लस बी माइनस का 9c, तो a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो 45 है, b की वैल्यू 2 है, और 9c माइनस का 9 ऐसे c जो कि 3 है, c हमारा 3 है, बस इसी को सॉल्व कर लो, ये वैल्यू 47 हो जाएगी, माइनस का 27 = 20। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 46 का आंसर 20 आएगा, 46 का आंसर 20 आएगा, टफ नहीं था। इस पैटर्न के हमने बहुत क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, बहुत धैर्य पूर्वक सीखिए। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए 46 के बाद 47, इसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थ्योरी में आपको 3 घंटे पढ़ाया गया है, ठीक है, प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी पढ़िए इसकी, बिना थ्योरी कुछ ना हो बे, बाकी इसको सिर्फ प्रैक्टिस पे रखिए। हमने आपको वहां कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसका, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे 9a² + 4b² + c² + 21। हमने बताया कि यहां पर हमेशा, जैसे ये 4 लिखा है तो 4 ने हमेशा यहां 2 होना चाहिए, हमेशा, लास्ट क्लास में भी इसके वाले पैटर्न में भी बताया था, यहां 2 होना चाहिए। अब यहां 4 है तो 2 का अंदर गुणा कर दो तो ये 6a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, माइनस का 4c हो जाएगा। इतिहास गवाह है इससे ज्यादा शॉर्टकट आज तक बना ही नहीं है। कैसे, हम बताते हैं कि a बराबर, अब 6 रखना है, a बराबर 6,
बी बराबर दो रखना है और सी बराबर माइनस का चार रखना है। बस एक बात याद रखना है, यहां देखो ए के साथ वैल्यू है, बी के साथ वैल्यू है, सी के साथ नहीं है। तो ए के साथ क्या है, नौ है, तो फिर नौ से भाग दे दो। बी के साथ क्या है, चार है, तो फिर चार से भाग दे दो। सी के साथ कछु नहीं तो कोनो भाग नहीं, सब अपने आप मेंटेन हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि प्रकाश सर कानपुर वाले, जी हां, कहता है 9a प्लस का 4b माइनस सी का मान बताइए, माइनस सी का मान बताइए, ऐसा हमसे कहता है। तो दोस्तों करना क्या है उसको जानो। जैसे 9 ऐसे रखा, जो a का मान है, अब ये 6 बाय 9 का मतलब चलो 6 बाय 9 ही रख दो, नॉट ए बिग डील। 4b तो चलो 4b 2 बाय 4 ही रख दो, और माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, 6 2 8 4 12, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब दिस वन 12 आएगा। कैसा लगा? इससे ज्यादा शॉर्टकट का ये क्वेश्चन का पैटर्न होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को सीखते रहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आई, आज नहीं तो आने वाले समय में आपको ये चीजें बहुत अच्छा लगेगा, धैर्य संयम और विवेक से सीखेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों कहता है x इज इक्वल टू 2 माइनस पी, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहां पर आप अपने मन से x और p की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस पी बराबर 2 हो गया, पहले बोलो हां भाई p इधर आ जाए तो ये 2 हो गया। अगर हम 1-1 पुट कर दें तो भी आंसर 2 आएगा, या ऐसा कर दो। देखिए हमेशा याद रखना, अब ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस इंटीजर हैं। थ्योरी में आपको ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट करके सिखाया गया है, अगर एक्स को 1 रख दो, सॉरी एक्स को 0 कर दो और पी को 2 कर दो तो भी तो 2 ही आएगा। तो जहां जहां एक्स दिया वहां वहां निपटा दो, तो अब सिर्फ पी क्यूब बचा। अब पी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 आंसर, मुद्दा खत्म। अब कह दो मन नहीं लग रहा सर, ऐसा कर लो x प्लस पी बराबर 2, 1-1 कर दो, मत हटाओ। तो 1 ऐसे, 6 ऐसे, प्लस 1 8। तो ऐसे आपको 2 घंटे के कॉन्सेप्ट थ्योरी में दिए गए, जो कि 25 घंटे की थ्योरी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्यार से सीखेंगे हर एक चीज को। याद रहे जो आपको बताया जा रहा, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों समझो मगर प्यार से। पहले तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, अपनी अपनी फैमिली को साथ ले लो, अपनी अपनी फैमिली को साथ ले लो। मतलब क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या करोगे, x की पावर 6 माइनस 1 बाई x की पावर 6, इसे साथ ले लो, कोई तकलीफ नहीं। माइनस का 5 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और प्लस का 5 ऐसे। अब हम आते हैं क्वेश्चन को करने में। याद रहे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो चीजें सीखोगे। जैसे हमसे कह रहा है कि भैया प्रकाश सर x की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर बराबर 1, अरे माइनस 1 इधर है तो 1 हो गया। तो चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 6 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब हमें याद करना है कॉन्सेप्ट, क्या बताया गया आपको, आपको बताया गया कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर बी है, एक पावर से अगर हम 2 पावर की ओर जाते हैं, कहां जाते हैं, एक पावर से 2 पावर की ओर, तो बी का स्क्वायर प्लस का 2 होता है, और एक पावर से अगर हम 3 पावर में जाते हैं तो बी का क्यूब प्लस का 3 भी होता है। यस या नो?
तो आप कहोगे हां सर यस, हां सर यस। अब चीजों को समझो, ये वैल्यू क्या है, 6 है, कितना है 6, यहां रखोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2। पर हमें इस टाइप से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, यहां पर हमें इसको तो याद रखना है, पर क्वेश्चन कैसे होगा वो अब देखा जाएगा। अब देखो यहां पावर 2-2 है, तो 2 पावर है, तो अब ये 2-2 पावर हो जाएगा, 2 से 6 पावर, मतलब 1 का 3 तो 2 का 6, बात बराबर है। यानी ये वाला फॉर्मूला अगर यहां पावर 2-2 होती, एक्स स्क्वायर होता, तो ये एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 6 होता। तो इस वैल्यू का जो मान निकालोगे बच्चा, वो कैसे निकालोगे, 6 का क्यूब प्लस 3 × 6 लिखोगे, माइनस में 5 ऐसे, इसका मान हमें यही 6 रखना है तो ऐसे, और प्लस का 5। कहते हैं कि ये 216 हो गया, प्लस का 18, माइनस का 30, प्लस का 5 हो गया। 216 और 18 कहीं ना कहीं 234 होता है, 30 कम करोगे 204 होगा, 5 जोड़ोगे 209, मतलब पूरे को सॉल्व करोगे 209 आंसर। याद रहे, मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए आपको सबसे पहले मैंने प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी के वीडियो दिए, क्यों, क्योंकि जो ये 250-300 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे बिन थ्योरी मजा नहीं आता। तो आपका रिवीजन हो रहा है, ये जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है तो उन्हें इतनी खुशी मिल रही होगी, कुछ कहने को नहीं। और जो लोग को पहले से आता है तो वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलो हां कि ये तरीका याद आया। अब इसमें लिखा कितना जाता है पेपर में, बस इतना ही लिखा जाता है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है, ये बस इतना ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज हमने इसको कई बार बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। क्या होता है बच्चा, a प्लस बी प्लस सी ऐसे होगा। साथ ही साथ हर एक चीज पर फोकस करना है, हमने आपको बताया कि a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर होगा, और माइनस का 3 टाइम्स होता है ab प्लस bc प्लस ca, ये चीज होती है। अब चीजों को समझिए और प्यार से जानिए, a प्लस बी प्लस सी का मान होगा 11, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 ऐसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी 38 होगा। 8 त्रिका 24 ऐसे, 2 हासिल, 3 त्रिका 9, 2 11, 114 ऐसे, 121 ऐसे, घटाओगे तो 7 आएगा, गुणा 11 मतलब 11 गुणे 7 77 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 77 आएगा 50 नंबर का। सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए तो आपको खुशी मिलेगी। इस बुक की प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना, ये वीडियो यूट्यूब में नहीं रहेगा, ये भी याद रखना। 10 क्वेश्चन और बताने, प्रॉपर बताएंगे और चीजों को सिखाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। अगर आप एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट 322 आंसर दोगे, क्यों, 4 का स्क्वायर 16, 16 और माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर इसमें 16, 2 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322 आएगा। सर ये इतनी स्पीड से कैसे, हम आपको बार बार अपने कॉन्सेप्ट पे याद दिलाएंगे जिससे याद आए। हमने आपको बताया था कि एक्स माइनस 1/x बराबर, अगर ये बी है और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस का 2 होता है, यस या नो। तो आप कहोगे हां सर आपने तो यही बताया। अब देखो यहां पर एक पावर से ये दो पावर में जा रही है, यहां x की पावर 1, यहां एक्स स्क्वायर है, माइनस से प्लस। अगर ये रूट एक्स होता, ये रूट एक्स होता, तो रूट एक्स का पावर मतलब आधा पावर का डबल एक ही पावर होता है बच्चा, यानी ये बी स्क्वायर प्लस का 2 आता है, यस या नो। अब ये वैल्यू हमें 4 दी गई, तो ये वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 18 हो जाएगी। उसके बाद का एक और फंडा जो आपको बताया गया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और भाव 1 का 2 हो, उस केस में आपको बताया गया ए स्क्वायर माइनस 2,
इसीलिए थ्योरी जो 7 घंटे की आईपीएल मैच पढ़ाया है ये उसी पर बेस्ड है। तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 324 माइनस 2 322 आंसर आएगा। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता, ये तो हमने सब थ्योरी बताई। अब जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जो थ्योरी को पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि एसएससी में एलजेब्रा की हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, और जो सीखता है वो ये सब नहीं करता। वो कहता है सर इस क्वेश्चन तो हम यूं ही चुटकी में कर दें, सर ये माइनस है, अगर हम प्लस में जाएंगे भाई इससे ये आएगा। तो कहता है सर 4 का स्क्वायर ये माइनस है तो प्लस कर दो, 16 16 2 18, भाव 1 का 2 सर, तो बस ऐसे कहेगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 322 आंसर, भाग जाता है। तो वो सब कुछ नहीं लिखता। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस, ठीक है। इसीलिए थ्योरी को पढ़िए जो बताया गया, बाकी इन सबके सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे अपने स्टाइल में, हर बार बताएंगे आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे खुल के कह रहा है कि बउआ इसकी वैल्यू बता दो। इसका अर्थ ये हुआ, कहता है 2x का ये होल क्यूब हुआ प्लस 1 बाई ये 2x का होल क्यूब हुआ, यस या नो? यस या नो? अब जैसे हम इसमें आते हैं तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x के होगा। अब 2x से भाग दे दो, 2x से भाग दो, 2x प्लस 1 बाई 2x बराबर ये 3 हो जाएगा। अब आपको कोई मेहनत नहीं करना, भाव 1 का 3 लगाना है तो 1 का 3, देखो ये दोनों सेम सेम है, यहां पर भी सेम सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाव 1 का 3 यानी 3 का क्यूब, भाई ए क्यूब माइनस का 3 होता है, और माइनस का 3 इंटू 3 27 में से 9 गया 18 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 18 आएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 आएगा। चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन को समझते रहिए मगर प्यार से। देखिए कैलकुलेशन हमारी फास्ट रहेगी क्योंकि थ्योरी की वीडियो, अगर आप लोग विश्वास मानो प्रकाश अवस्थी ऐप को देखो, कोर्स को देखोगे तो आपको सारे थ्योरी के वीडियो मिलेंगे। अभी इस किताब में कितने क्वेश्चन है, बहुत हैं, हम आपको बता देते हैं जिससे ये करा रहे हैं। देखिए थ्योरी में तो 500 क्वेश्चन कराए हैं, अब लेटेस्ट में 271 क्वेश्चन कराने हैं, तो धीरे धीरे कराएंगे। 18 के बाद ये वाला नंबर 53 नंबर, अब सर इसको कैसे करें? आपको कुछ नहीं, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। आपको क्या बताया गया बच्चा, आपको बताया गया कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a है, स्क्वायर करते हो तो उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, अगर क्यूब करते हो तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है। मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको यह ना लगे कि सर वाई दिस कुलावरी। एक चीज समझो, यहां रूट एक्स है, रूट एक्स है, तो अगर हम ये लिखेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो आधा पावर होता है उसका स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 2 होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब पावर में डबल करना, ट्रिपल करना, ऐसे बता रहा हूं। तो आधे का डबल 1 होता है, आधे का डबल 1 होता है, तो भाव 1 का 2, 1 का 2, तो अब रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2 यानी 5 आएगा। अब भाव 1 का 3 लगाओगे, 1 का 3 तो 5 का क्यूब ये वाला फंडा माइनस का 3 इंटू 5 110 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 53 का 110 आएगा। सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब ये मासूम से बच्चे पहले से ही जानते थे और ऐसे ही सीखना चाहिए मेरे भाई। ये सब कुछ नहीं लिखा जाता, सीधे आंसर मारे जाते हैं। जब आप 7.5 घंटे का आईपीएल मैच की थ्योरी पढ़ लोगे ना, कह गया सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल आंसर लो, कहा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, रूट 7 है, स्क्वायर करोगे 7 माइनस 2 5, 5 का क्यूब माइनस 3 है, सीधे यहां से चलेगा, यहां से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, बच्चा ये भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आए, अभी कई सारे होंगे, आपको हम बहुत प्यार से बता दें, आप थोड़ा सा तैयार कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा।
हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पर लिख लो, वहां पर भी बताया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। क्या आपने बचपन में पढ़ा है क्या a प्लस बी का होल क्यूब? पहले बोलो हां। तो क्या पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब यहां ज्यादातर क्वेश्चन में आपको करना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाएगा, तो इस केस में आप याद रखना a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी, ऐसे याद रखना है। अगर यहां प्लस तो यहां माइनस, सपोज यहां माइनस का पूछ दिया जाता तो यहां a माइनस बी देगा तो उसका होल क्यूब, अब यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और समझदार है ये चीज, यहां प्लस देखो प्लस प्लस ये माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, समझ गए। तो ये वाले क्वेश्चन अभी भर भर के आएंगे और स्पीड से हम कर ले जाएंगे। अब जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन है प्लस वाला, ये वाला दिया गया है, तो आप देखो हमसे कह रहा भैया प्रकाश सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता दो, तो पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब 8 का क्यूब 512 ऐसे सीधे लिखेंगे, फिर 3 ऐसे लिखेंगे ab जो कि 32/3, 3 से 3 पड़ गया, a प्लस बी जो कि 8 ही है, 32/8 256, और ऑलरेडी 256 है तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 256 आएगा, 54 का आंसर 256 आएगा। एक बार बोलो हां, एक बार बोलो हां, तो आपको खुशी मिलेगी, 54 का आंसर 256 आएगा, 54 के बाद 55 नंबर। कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 2, और इसका मान बताइए। हमने आपको भर भर के आज की डेट में तीसरी बार बता रहे हैं कि बच्चा यह फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि आपको बहुत पढ़ाया गया है, लिखा जाएगा, ये कभी कभी हल्का सा लैग होता है, ठीक है, हैंग होना चालू होता है हल्का सा, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पावर चेंज होता है इसमें, ठीक है, पावर क्या, लाइट गई है तो उसका पावर अपने आप चेंज हो जाता है, तो फिर हल्का सा मैटर आता है। अब देखते हैं लिखता है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तो हमने आपको बताया कि a प्लस बी प्लस सी ऐसी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस bc प्लस ca। दोस्तों अब आपको यहां बस रखना है a प्लस बी प्लस सी का मान रखना है, तो ये 4 है तो 4 ऐसे रखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 3 ऐसे रखा, ab प्लस bc प्लस ca जो कि 2 होगा, तो यहां से हमें 10 की प्राप्ति हुई, 4 × 10 = 40 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा इसका आंसर। चलिए 60 तक कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आपको यह वाला फंडा बता दिया है कि अगर यहां प्लस है तो पहले a प्लस बी का होल क्यूब कर लो, माइनस का 3ab और a प्लस बी, किसी को तकलीफ है तो इस वैल्यू को इधर ले आओ, इसका होल क्यूब होता है। अब देखो इसका a प्लस बी का होल क्यूब 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस 3 ऐसे, 16 × 16/3 ऐसे, और a प्लस बी प्लस सी जो कि 6 होगा, समास 3 से 3 कटवाएगा, 216 − 96, तो आंसर बताइए क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं समाज कहेगा सर 220 आएगा, नहीं 120 आएगा, तो 56 का आंसर 120 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर पहले इसका फंडा बताया था, अब जब आप एक्सपर्ट हो तब तेजी से कैसे करोगे, 8 ऐसे रखोगे, 8 का स्क्वायर 64 ऐसे रखोगे, 3 × 12 वैसे 36 कर दोगे, 64 में 36 गया तो 8 ऐसे रखोगे, इसमें 36 गया तो 14 में से 6 गया, तो 14 में 6 गया 8 आया यानी 28, 8 × 64 86, 8 × 16 = 22, सीधे ऐसे लिखा जाएगा, 224 इज द राइट आंसर। पर
अगर आप एक्सपर्ट है तो, वरना बार बार आप सजा के लिखे हो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ऐसे। साथ ही साथ सारे बच्चे जानते हैं आज की डेट में हमने चौथी बार लिख रहे हैं, ठीक है, बिना याद किए आप जल्दी नहीं कर सकते चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये 8 ऐसे होगा, ये 8 का स्क्वायर 64 ऐसे, 12 3 36 ऐसे, 64 में 36 गया, 36 दुना 72, 64 में 36 गया तो 28 आएगा, 28 8 244। यही एक तरीका है, एक्चुअल में सोल्यूशन बस इतना ही होता है। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 57 नंबर का आंसर आपके सामने, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को जानते रहिए, ठीक है। और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं देता जा रहा हूं, ठीक है, और अंत में सारी चर्चा कर लेंगे। 57 के बाद 58 नंबर कहता है a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। आज ही थोड़ी देर पहले हमने इसका फंडा बता दिया कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3 और ab की वैल्यू 2 a माइनस बी जो कि 5 होगा, तो 125 ऐसे रखेंगे, 5 3 15 और दूना 30, यानी 155 आंसर आएगा 58 नंबर का। सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए, 155 आंसर आएगा। दो क्वेश्चन बचे हैं। पहले दोस्तों हमने बताया है कि अगर ये चीज से आपको ये लाना है तो यहां पर जो ये पैटर्न है उससे आप पहले समझो, इस पैटर्न से हम कैसे लाएंगे उस पर हमारा विचारधाराएं आए। देखिए हमने आपको बताया कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर b है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए तो समाज कहता है b का स्क्वायर प्लस का 2 होता है। पहले बात को समझो, अब यहां पर ये वैल्यू नहीं है, अब ये रूट एक्स है। मैं बार बार बता रहा हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स और ये b है। अब भाव एक का 2 चाहिए तो एक का दो तो इससे आधे का डबल 1 होता है, यानी ये आएगा। तो फॉर्मूला यही बनेगा बच्चा, ये बनेगा एक फॉर्मूला, तो ये लग रहा है। दूसरा कौन सा लग रहा है? दूसरा ये वाला लग रहा है इसमें, ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a है और आपको अब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर माइनस का 2। देखिए दोनों में अंतर है सर, अंतर क्या, यहां माइनस होता है तो इसमें प्लस होता है, यहां प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है। थ्योरी में सारे मतलब 7 घंटे यही सिखाया है क्योंकि हम जानते हैं कि इसी में बच्चा कंफ्यूज आ जाता है। तो थ्योरी पढ़िए और ऐसे क्वेश्चन को फर्जी बोलिए, तो ये तो आपको थ्योरी बताई, अब हम जो सॉल्यूशन है वो उसी में भर देते हैं। इससे पहले x प्लस 1 बाई एक्स में आएंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 ऐसे प्लस 2, समाज इसे 10 कहेगा और भाव एक का 2 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 98 आंसर आएगा। इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं है, पर क्या करें, फॉर्मूले इसमें बार बार बताना पड़ता है, यही मैटर होता है लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में नहीं, रिकॉर्डेड बच्चा फिर समझ जाता है, लाइव में हमें बार बार बताना पड़ता है। अंतिम क्वेश्चन अभी की डेट का, जैसे हमसे कोई कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बता दो, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3 ए बी, ए प्लस बी होगा, याद रहे। अब a प्लस बी तो 6 का क्यूब 216 हुआ माइनस 3 गुणे 8 ऐसे और ये 6 हो गया, बस खेला हो गए 216 ऐसे, अर्छंग 48 3 144, तो 6 में से 4 गया 2 72। इसका आंसर आपके सामने 60 नंबर का क्या आएगा, 72 आएगा, बोलो हां। तो यहां से लेक्चर 3 कंप्लीट होता है।